सबसे पहले आप सभी को जय शिया राम, जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय, पवनसुत हनुमान जी की जय। तो इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वो है चिंता मत कर मैं हूँ ना। तो मेनली आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, टेंशन में आप होंगे, किसी भी कारणवश आप हो सकते हैं, घर में कलेश चल रहा हो, रोग हो किसी को, कोई बीमारी से ग्रस्त हो, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, घर परिवार में आर्थिक तंगी हो, नकारात्मक चीज़ें हों जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको हनुमान जी कह रहे हैं कि आप बस उनकी शरण में रहिए, उनको याद करिए, उनको पूरे सच्चे मन से ध्यान करिए, उनका पाठ करिए, तो आप जो है बहुत जल्द सारी समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे, आपको रास्ता मिलेगा, सही रास्ता दिख जाएगा, आपको उन मुश्किलों का सामना करने की शक्ति मिलेगी। और हनुमान जी तो सबके साथ हैं, जो भी परेशान है और उनको याद करते हैं तो हनुमान जी तो इतने दयालु हैं कि वो तो मदद करते ही हैं, और वो कहते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, वो हमेशा सबके साथ रहते हैं, सबकी मदद करते हैं। तो आपको उन पे भरोसा रखना है, क्योंकि जब तक भरोसा रहेगा तभी तक कोई काम हो पाएगा। अगर आप भरोसा नहीं रखिएगा, चाहे वो खुद पे हो, चाहे भगवान पे हो, चाहे किसी पे हो, आपको भरोसा रखना होगा। आजकल इतना समय ख़राब है, कलयुग है, कहिए तो कलयुग है, ठीक है, इतना ख़राब समय है कि दोस्त रिश्तेदार पे तो आप भरोसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि कब वो धोखा दे दे, कब आपका इस्तेमाल कर लें कुछ पता नहीं चलता। तो भरोसे मात्र बस आपके घर के सदस्य माँ बाप ही हैं, ठीक है, मम्मी पापा ही आपके भरोसे मात्र हैं, और आप भगवान पे भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि भगवान को आपसे कुछ नहीं लेना, बस आपको वो कहते हैं कि उनकी भक्ति में, उनके शरण में रहिए, उनको याद करिए, सच्चे मन से याद करिए। और हनुमान जी का क्या है, वो तो बहुत दयालु हैं, आप उनकी सच्चे मन से भक्ति तो करिए, पूजा अर्चना करिए, संकल्प ले के पूजा करिए, उनका जो है हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, राम नाम जाप करिए, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम, इस तरह से आप जाप करिए, आपको बहुत जल्द ही आपका इच्छा पूरा होगा। आपकी इच्छा को पूरा करने में, आपको सही रास्ता दिखाने में हमारे संकट मोचन महाबली हनुमान जी ज़रूर मदद करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और आप खुद बहुत ही अच्छा अनुभव करेंगे जब आप इनकी पूजा पाठ करेंगे हनुमान जी की, और उनमें आस्था रखेंगे, भरोसा रखेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो आपको अपने अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस महसूस होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आप बहुत ही जल्दी अपने जीवन में सफल होंगे। आप जो भी इच्छा रख के पूजा पाठ कर रहे हैं वो अगर सही है, दूसरों की भलाई के लिए है, आपकी भलाई के लिए है, तो आपको बहुत जल्द वो चीज़ प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप किसी की बुराई के लिए, किसी का बुरा करने के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो आपके साथ कभी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भगवान कभी बुरा का साथ नहीं देते हैं। अगर आप बुराई करना चाहते हैं तो पहले ही मन से ये सारी चीज़ें त्याग दीजिए, और सही काम के लिए भगवान में आस्था रखिए, और उनकी शरण में रहिए, और उन पे भरोसा रखिए। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है, भरोसा और विश्वास रखना होगा आपको भगवान पे, तभी वो आपकी सारी इच्छा पूर्ण करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। आपके घर परिवार में सुख संपत्ति, धन समृद्धि, मान सम्मान बना रहेगा, आपकी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपका नौकरी नहीं लग रहा होगा तो नौकरी लग जाएगी, आपको पढ़ने लिखने में मन लगने लगेगा, आपको जो है आपका स्वास्थ्य, घर परिवार में लोगों का स्वास्थ्य सही होने लगेगा। कोई भी कितनी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होगा, चाहे कैसी भी बीमारी हो, अगर आप भगवान जी में आस्था रखते हैं, हनुमान जी में, राम जी में आस्था रखते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो वो आपको बहुत जल्द ही स्वस्थ कर देंगे, आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे। जैसे कि आप बस दुआ से तो देखिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन दवा और दुआ दोनों ज़रूरी है। आप डॉक्टर को भी दिखाइए और भगवान के शरण में भी रहिए, जब दोनों चीज़ें मिलेंगी तो आपका बहुत जल्द सही रिजल्ट आएगा और बहुत जल्द ही आप स्वस्थ होंगे। तो इसी तरीके से हनुमान जी कहते हैं कि चिंता मत कर मैं हूँ ना। तो इस चीज़ को सुन के ही, इस लाइन को सुन के ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही गूजबम्स आने लगे होंगे, बहुत ज़्यादा ही आपको अच्छा महसूस होने लगा होगा, क्योंकि आजकल सब लोग अपने आप को अकेले महसूस करते हैं, और जब उनको हनुमान जी का साथ मिल जाए तो कौन अकेला और कौन किसी के साथ में। आपको बस भगवान जी में आस्था रखनी है, वो आपके साथ हर क्षण हर समय आपके साथ रहेंगे, आपका साथ देंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, आपको कभी परेशान नहीं होने देंगे, हर एक मुश्किल में आपका साथ देंगे। तो आपको भरोसा रखना है, उनकी शरण में रहिए, उनको सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए,
लीजिए उनके शरण में, वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। और बहुत सारे उपाय हैं हनुमान जी के, संकल्प लेकर 3 दिन का संकल्प, 7 दिन का संकल्प, 11 दिन का संकल्प, 42 दिन, 41 दिन, 108 बार हनुमान चालीसा का संकल्प, तो ये सब आप कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप देखते हैं बहुत सारी वीडियोज अभी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर संकल्प से रिलेटेड, आप उसमें जाके एक्सपीरियंस देख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे होता है। तो चलिए इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे लास्ट में सब लोग साथ में बोलिए जय श्री राम, जय सियाराम।